नमस्कार दोस्त। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि डिलीटेड एप्लीकेशन वाले मेल को अपने जीमेल अकाउंट पर आने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्त कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बार बार दो क्वेश्चन कमेंट करके जरूर पूछा करते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि वो बोलते हैं कि भाई मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे इस एप्लीकेशन से संबंधित मेरे जीमेल अकाउंट पर कई सारे मेल आते रहते हैं। और वहीं पर दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई मैंने इस एप्लीकेशन को यूज तो किया था अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, लेकिन मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया, फिर भी मेरे मोबाइल के जीमेल अकाउंट पर इस एप्लीकेशन से संबंधित काफी सारे मेल आते रहते हैं। मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ यार, प्लीज कुछ बताओ क्या करूँ ताकि इस तरह का जो मेल है या फिर इस एप्लीकेशन से जो रिलेटेड मेल है वो मेरे जीमेल अकाउंट पर ना आए। तो दोस्त अब घबराने की बात नहीं है और ना ही सोचने की बात है, क्योंकि आपका भाई सुमित आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन लेकर के आ गया है। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। और हाँ, आप लोगों से हर रोज की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो जरूर करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ यार, वहां पर आपको एक YouTube चैनल का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करो, मैं वेट करता हूँ, प्लीज भाई आप लोग वहां पर क्लिक करो। हाँ, तो आपने क्लिक कर दिया होगा, अब आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक YouTube चैनल ओपन हो गया होगा, वहां पर आपको YouTube के संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। प्लीज आप लोग वहां पर भी मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करें यार, ताकि मैं बहुत जल्द ग्रो कर सकूं और आगे आप लोगों के लिए हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। प्लीज भाई सपोर्ट मी। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम को गवाए मोबाइल के स्क्रीन की। तो भाई सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप उस जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लो, जिस जीमेल अकाउंट पर आपको कई सारे एप्लीकेशन के संबंधित मेल वगैरह आते रहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके रखा हुआ है और आपको लोगो भी दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, उस जीमेल अकाउंट के लोगो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट शो होगा और उसके जस्ट नीचे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन भी दिख जाएंगे, होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड पर्सोनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। देखिए आपके जीमेल अकाउंट पर दो ही कंडीशन में मेल आते हैं। पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए इन पास्ट आपने कभी भी किसी एप्लीकेशन को यूज़ तो किया है लेकिन आपने उसे डिलीट कर दिया, या फिर हो सकता है कोई और भी रीज़न हो सकता है, डिलीट हो गया ऑटोमेटिक और आपको पता भी नहीं है कि भाई उस एप्लीकेशन को मैं यूज भी करता था या फिर नहीं करता था। तो इस कंडीशन में आपके जीमेल अकाउंट पर मेल आएंगे ही आएंगे। और वहीं पर दूसरा कंडीशन ये है, कई बार कई सारे यूजर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो आपसे कुछ परमिशन मांगा जाता है, उसके बाद आपको बोला जाता है साइन अप करने के लिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर आप अपना जीमेल अकाउंट इनपुट करके वहां पर ऐड करके साइन अप कर लेते हो। लेकिन जब आपको उससे काम हो जाता है, यानी कि जब आप उस एप्लीकेशन से अपना काम कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हो ये सोच करके कि भाई ये जो एप्लीकेशन है अब मेरे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, यानी कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। लेकिन दोस्त यहीं पर आप एक भूल कर देते हो कि आप उस एप्लीकेशन से अपना जीमेल अकाउंट लॉग आउट नहीं करते और आप उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें तो लॉगिन है ही, और जो भी मेल आएंगे, जो भी अपडेट आएंगे उस एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर कुछ भी न्यूज आएंगे तो आपके जीमेल अकाउंट पर अवश्य वो न्यूज या फिर वो मेल भेजा जाएगा। अब बात आती है कि भाई मैंने उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया तो फिर मैं उस एप्लीकेशन से लॉग आउट कैसे करूँ अपना जीमेल अकाउंट को, तो वही प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने ये दो कंडीशन बता दिया, इन दोनों कंडीशन की वजह से आपके जीमेल अकाउंट पर मेल वगैरह आते रहते हैं। अब देखिए जब आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, जब आप सिक्योरिटी पर क्लिक कर दीजिएगा तब आप सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइनिंग इन विथ गूगल। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यू यूज गूगल योर गूगल अकाउंट टू साइन इन टू टू साइट्स एंड एप्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप यूज कर रहे हो इस गूगल अकाउंट को दो साइट में और एप्लीकेशन में। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ऐप्स विथ एक्सेस टू योर अकाउंट। वैसे मैंने इस पर पार्टिकुलर वीडियो बना रखा था, पता नहीं आप लोग वीडियो नहीं देखते हो और क्वेश्चन कर देते हो। और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी ऐप्स विथ अकाउंट एक्सेस, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है वो आपके अकाउंट को एक्सेस
एक्सेस कर रही है। अब कौन कौन एप्लीकेशन कर रही है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो एप्लीकेशन को एक्सेस दे रखा है, एक ट्रू कॉलर है और दूसरा व्हाट्सएप है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन है ट्रू कॉलर, इसको मैं नहीं चाहता कि भाई ये जो एप्लीकेशन है मेरा जीमेल अकाउंट एक्सेस करे या फिर इस एप्लीकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का मेरे जीमेल अकाउंट पर मेल वगैरह आए। अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए रिमूव एक्सेस का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप रिमूव एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, मैं आपको फिलहाल रिमूव एक्सेस पर क्लिक करके दिखाई देता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक परमिशन मांगा जाएगा ओके करने के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ट्रू कॉलर आईडी स्पैम ब्लॉकिंग एंड कॉल रिकॉर्ड विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अब जो है ये एप्लीकेशन ट्रू कॉलर आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगी। अगर आप फिर भी इस सर्विस को बंद करना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए, वरना कैंसिल कर दीजिए। तो मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन शो हो रहे थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही मेरा मैसेज है यानी कि शो कर रहा है, यानी कि अब ट्रू कॉलर वहाँ से जो है हट चुका है। ट्रू कॉलर से मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो लॉग आउट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीटेड हुए एप्लीकेशन से भी आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं और मेल वगैरह आने से इरिटेट होने से बच सकते हैं। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और साथ ही नॉलेज भी काफ़ी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और साथ ही ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और अगर आपके माइंड में अभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, फटाफट कमेंट कर दो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के ज़्यादा बोल दिया ना, शेयर कर देना, सिर्फ शेयर कर देना, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।